ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। ये सोया हुआ हाथी जब भी उठकर भागेगा आप पकड़ नहीं पाओगे। चलिए देखते हैं कौन सा ये सोया हुआ हाथी है, क्या इसके फंडामेंटल है, क्या इसके टेक्निकल है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गुड क्वालिटी का यह स्टॉक है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 22.27%, आप इसकी ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 72.28%, आप इसकी नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 0.22, आप इसकी प्लेज सेल देख लीजिए 6.66। हालांकि यही एक कमी है जो मेरे को अभी लग रही है। आगे देखते हैं कौन कौन सी कमी स्टॉक में, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड करा है, जो भी वैल्यू 78 से 94 के बीच में होगी ये इसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 13, आप इसकी ईवी टू इबिट्टा रेशियो देख लीजिए 7.78%, आप इसकी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 2.88%, आप इसकी आरओसी देख लीजिए 44.88% है, जो नियर अबाउट 45 है। आप इसके आरओए देख लीजिए, इसके आरओए नियर अबाउट 27% है। आपको भी किसी भी स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उस स्टॉक के हम एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देंगे, बाद में उस पर हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे। अब हम इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इसने पिछले 10 साल में 457% का रिटर्न दिया, इसने पिछले 5 साल में 209% का रिटर्न दिया। हालांकि ये पिछले 3 साल से नेगेटिव रहा है, पिछले 2 साल में फ्लैट रहा है, पिछले 1 साल में 41% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसने पिछले 1 महीने में -8% का रिटर्न दिया है। हालांकि ये आज 3% अप रहा है। हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। नेट सेल्स हालांकि 15% डाउन आई है, आप इसकी नेट प्रॉफिट देख लीजिए जो भी 17.13% की डाउन साइड दिखा रही है। आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख लीजिए, उसमें भी 0.24% की गिरावट आई हुई है। हालांकि यही वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप जब भी कोई कंपनी किसी कारण से आप नीचे मिल ले, बॉटम पे मिले, जो इसका कारण है कि रिजल्ट खराब आए, इसका सेक्टर डाउन चल रहा है, इसीलिए इसी वजह से कोई भी अच्छी वजह से गुड कंपनी अभी कोई भी अच्छी वजह से नीचे मिले तो आप उस पर बाय करें, क्योंकि जब ये चलेगी तब आप उसको लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया सा रिटर्न देगी आपको। इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 23.61% के एक बेहतरीन जंप, आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 10.76% के एक बेहतरीन जंप, आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन देख लीजिए 0.59% के एक बेहतरीन जंप दी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर के पास 51.12% की एक बढ़िया होल्डिंग रखी हुई है, एफआईआई के पास 90.06% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 5.49% की होल्डिंग है। मैंने पहले भी बता दिया थी इस कंपनी ने 6.66% से अपने गिरवी रखे हुए है। चलिए जानते हैं कौन सी है कंपनी और किस सेक्टर को यह बिलोंग करती है। अब तक हम बात कर रहे थे अशोक लेलैंड के बारे में। ऑटो ट्रक बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी, लार्ज कैप स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 2.88, इसने लास्ट टाइम 2.43 रुपीज का एक डिविडेंड पे किया था। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब चलते हैं चार्ट की ओर, देखते हैं क्या टेक्निकल है और कौन से लेवल पे हमें खरीदना चाहिए। अब हम अशोक लेलैंड के चार्ट के ऊपर आ गए। 2018 में इसने इधर हाई बनाकर लगातार गिरावट स्टार्ट कर दी है। इसका जो पहला सपोर्ट लाइन है वो 78 है और जो दूसरा सपोर्ट लाइन है वो 74 है। हालांकि 74 एक मजबूत सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक आने के लिए इसको बहुत सारे लेवल पार करने होंगे, जैसे कि ये पहला तो ये 78 वाला है, बाद में ये 74 तक पहुँचेगा। ये देखिए आप,
ये जब भी गिरावट लेता है तब जब भी गिरावट लेके ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करके वापस नीचे आ जाता है। इधर भी देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करके नीचे आ गए, इधर भी लास्ट टाइम अभी की बात है थोड़े दिन पहले के बाद इधर रेजिस्टेंस लेके इधर नीचे आ गए। अभी क्या है इसमें, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल और जो ये दूसरी रेजिस्टेंस लाइन थी उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दे दी, तब मैं इसके ऊपर एक बुलिश लाइन की साइन मार सकता हूँ। जो इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन है वो 97 है, यानी कि 97 के ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल देता है तब मैं इसमें एक बुलिश लाइन की साइन मार सकता हूँ। ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।